नमस्कार दोस्तों, माइंड कोड चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों, सीएसए ने एक नई गाइडलाइन जारी करी है आईआरसीटीसी से लेकर। और दोस्तों, आप भी आईआरसीटीसी के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखते रहिए। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपके डिजी मेल के अंदर एक मेल आया होगा सीएससी की तरफ से। इस मेल के अंदर आपको बताया होगा कि जो भी वीएलई अपने सीएससी के अंदर काम करते हैं उनको आईआरसीटीसी का रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। अगर आप वीएलई है और आपने आईआरसीटीसी एजेंट बनने के लिए अप्लाई नहीं किया है तो अब आपको ये कर लेना चाहिए। हाँ, लेकिन एक बात और कि सीएससी ने ऐसा नहीं किया है, कहा है कि अगर आप आईआरसीटीसी का रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं तो आपका पोर्टल जो है वो बंद कर दिया जाएगा। ऐसा उनका रिस्ट्रिक्शन अभी तक नहीं उन्होंने किया है। लेकिन इसके बारे में अगर सीएससी आगे कुछ करना चाहेंगे तो मैं इसके बारे में आपको अभी कुछ नहीं बता सकता। वो अगली बात उनकी रहेगी, वो आपको बोल भी सकते हैं या फिर नहीं भी बोल सकते हैं। अगर आप सीएससी सेंटर चलाते हैं और आपने आईआरसीटीसी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो सीएससी का ये कहना है कि आप ये ज़रूर कर लें। दोस्तों, मैं आपको एक डेमो दे देता हूँ किस तरीके से आपको आईआरसीटीसी का रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, कैसे आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। दोस्तों, आपके जो मेल आए उसके अंदर से जो भी सीएससी ने आपको रूल्स और रेगुलेशन समझाया वो पूरी तरीके से कैसे समझ लीजिए और उसके बाद में ही अप्लाई कीजिए, क्योंकि अगर उसमें से कुछ अप्लाई करते समय आपसे कुछ गलती हो जाती है तो आपको दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं अप्लाई कैसे करना है। उसके लिए मैं आपको डेमो दिखाना चाहूँगा कि इसके लिए कैसे अप्लाई करना है। और सबसे पहले हम अपने डिजिटल सेवा पोर्टल के ऊपर आ जाते हैं। लॉगिन कर लीजिए अपने आईडी और पासवर्ड से और यहाँ पे सर्विस के बटन पर क्लिक कीजिए। सर्विस पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर एक सर्च का बटन आएगा, तो आपको इसके सर्च बॉक्स पर क्लिक करना है और इसके अंदर आपको लिखना है आईआरसीटीसी। जैसे ही आप इसके अंदर क्लिक करके टाइप करके प्रेस करते हैं तो आपके सामने दो ऑप्शन आ जाएंगे। तो उसमें सबसे पहले आएगा आईआरसीटीसी, तो उस पर क्लिक कीजिए और उसके बाद देखते हैं ये नई विंडो ओपन होती है और इसके अंदर से हमें सबसे नीचे वाला ऑप्शन जो है आईआरसीटीसी रजिस्ट्रेशन उसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद में देखिए आपके सामने एक अलग पेज आएगा जो हमें इस तरीके से दिखाई देगा, जहाँ पर लिखा हुआ है आईआरसीटीसी एजेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो आपको उस पर क्लिक करना होगा। तो उसके बाद में इस तरीके से आपके सामने एक फॉर्म ओपन होगा जिसके ऊपर सबसे ऊपर आपकी एक सीएससी आईडी दिया होगा। उसके बाद में आएगा आपका फर्स्ट नेम, जहाँ आपको अपना नाम डालना है, उसके बाद में मिडल नेम और लास्ट नेम। आपकी सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दे देनी, जैसे कि फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, पैन कार्ड, यूआईडी नंबर, इस तरीके की आपको वहाँ पर इंफॉर्मेशन उनको देना। उसके बाद आप देखिए नीचे आ जाइए पेज को स्क्रॉल करने के बाद में, तो उसके बाद में नीचे देखिए आपको एक अपलोड पैन कार्ड, जो वीएलए का पैन कार्ड होता है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। और जो भी सीएससी सेंटर लोकेशन एड्रेस प्रूफ है वो यहाँ पर आपको अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद में टर्म्स एंड कंडीशन के लिए जो उनका चेकबॉक्स होता है आई एग्री के लिए, तो उसको आपको चेक करना है। और लास्ट में पे एंड सबमिट के बटन पर आपको क्लिक करना है और एक 1000 का आपको नॉन रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको उनको देना है। और ये 1000 रुपये जो हम उनको दे रहे हैं वो हमें वापस नहीं मिलेंगे क्योंकि ये नॉन रिफंडेबल है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो आपको एक नंबर मिल जाएगा जो कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, वो आप संभाल के रख सकते हैं। उस नंबर से आप चेक कर सकते हो कि आपको अपना आईडी और पासवर्ड कब तक आपको मिल जाएगा। दोस्तों, रजिस्ट्रेशन होने के बाद में आपको 15 से 20 दिन वेट करना पड़ेगा क्योंकि उतना समय उसको लगता है और उसके बाद में आपके ईमेल आईडी पर उसका आईडी और पासवर्ड आपको मिल जाएगा। जब आपको उसका पासवर्ड और लॉगिन मिल जाएगा तो आप अपना आईआरसीटीसी का काम चालू कर सकते हैं। इस तरीके से आप आईआरसीटीसी का काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, बस यही जानकारी थी सीएससी की तरफ से कि आईआरसीटीसी को आपको अप्लाई करना है और उसका रजिस्ट्रेशन कर लेना। तो जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए और साथ ही साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमने दी हुई ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले क्योंकि तो चलिए मिलते हैं अगले दूसरे वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।